वालेकुम फाइव क्लास, आई होप आप सब बेहतर होंगे। फाइव क्लास, आज हम आपका न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में आपने अपनी लास्ट 4 क्लास में तो पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, फ्रैक्शन के बारे में। आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में टू फ्रैक्शंस गिवन की होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अब होता क्या है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो फ्रैक्शंस होती है उनके डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाले नंबर्स जिन्हें हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल, हमें उन डिनोमिनेटर्स को फ्रैक्शंस में इक्वल लाना होता है। फॉर दिस वी नीड टू फाइंड जस्ट, इस वजह से हमें ज़रूरत होती है ढूंढने की जस्ट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी एड 1/2 एंड 1/3, अगर हम 1/2 एंड 1/3 को ऐड करते हैं तो द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, इस तरह से एलसीएम 2 और 3 का 6 आएगा। चेंज द डिनोमिनेटर 2 ऑफ 1/2 टू 6 बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 3। फिर आपने क्या करना होता है, चेंज करना होता है डिनोमिनेटर 2 को 2 ऑफ 1/2 टू 6 में बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 3। आपने क्या करना है, 1/2 फ्रैक्शन लिख दी हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि 2 एंड 3 इज 6, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। अब इसमें हमने देखना ही होता है, अगर 2 और 3 का एलसीएम 6 है तो 2 के टेबल में 3 6 किस पर जाता है, 3 पर जाता है, इसी वजह से हमें ऊपर नीचे 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। देन जब हम उसे इक्वल लेकर आएंगे, 3 वन जा 3 एंड 3 टू जा 6। चेंज द डिनोमिनेटर, फिर हमें चेंज करना होगा डिनोमिनेटर को 3 ऑफ 1/3 टू 6 बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन का भी हमारा एलसीएम 6 आया था, तो अब हमने देखना है 1/3, 3 के टेबल में 6 किस पे आता है, 2 में, 2 पे आता है, 2 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 2, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6। सो 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 6 आया था, यानी हमने इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर दिए थे, हमने नीचे लिख दिया 6 6, देन जो ऊपर आंसर हमें गिवन हमने निकाला था 3 एंड 2, हमने लिख दिया 3 प्लस 2, देन हमने इक्वल लगाया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, इक्वल आ चुके हैं, हमने एक बार कॉमन करके लिख दिया 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 5/6। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन इज डन इन द सेम वे, इसी तरह सेम इसी पैटर्न से आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, सिर्फ डिफर ये होगा कि लास्ट स्टेप में आकर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया था, यहाँ आकर हम माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल गिवन की हुई है, लेट अस टेक फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, 3/5 प्लस 2/9, द एलसीएम ऑफ 5 एंड 9 इज 45। हमने कैसी एलसीएम निकाला, आप इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 5 एंड 9, 5 वन जा 5, 9 एज इट इज, देन 3 3 जा 9, देन 3 वन जा 3, देन आप इनको इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा 45। आप इस तरह से भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, 3/5 नीचे लिखा इज इक्वल, अब 5 के टेबल में 45 जो एलसीएम हमने निकाला है वो किस नंबर पर जाता है, 5 9 जा 45, हम ऊपर नीचे 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 45। इसी तरह हम 2/9 के साथ करेंगे, 2/9 इज इक्वल टू, अब 9 के टेबल में 45 किस पे आता है, 5 पर, हम ऊपर नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 5 जा 10 एंड 5 9 जा 45। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3/5 प्लस 2/9 इज इक्वल टू, हम जो हमारा फर्स्ट के साथ वैल्यू जो आई थी 27/45 प्लस 10/45 हमने लिख दिया, देन दोनों के डिनोमिनेटर्स
सेम आ गए, उसको हम कॉमन करके लिख देंगे 45, देन 27 प्लस 10 ऊपर लिखेंगे और इनको आपस में प्लस करके 37 ओवर 45 हमारा आंसर आ गया। माइनस भी सेम इसी पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1 सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पे करने का पैटर्न बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट मेंशन करनी है, क्लास वर्क डे, उसके बाद आपने यूनिट नंबर मेंशन करना है क्योंकि आपका न्यू यूनिट स्टार्ट हो रहा है, उसका नेम फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/6 प्लस 2/9 सॉल्व करेंगे और एलसीएम आप इस तरह ले सकते हैं 3 2 6 3 3 9 देन 3 जो नंबर नहीं डिविजिबल उसको एज इट इज नीचे उतार ले 3 1 3 देन 2 1 2 एंड 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। हमारे फैक्टर्स क्या थे 3 3 2 यानी 3 3 9 9 2 18 सो द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 6 और 9 का एलसीएम क्या आया 18। मैंने इक्वल लगाया, नीचे 18 को कॉमन करके लिख दिया क्योंकि 6 और 9 का एलसीएम 18 था तो मैंने नीचे कॉमन करके लिख दिया। आप 6 के टेबल में 18 किस पे जाता है 3 के टेबल पे जाता है। 1 को मल्टीप्लाई यानी जो 6 के ऊपर वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 के साथ। देन हमने 9 का एलसीएम लिया था उसका भी 18 आया था। अब 9 के टेबल में 18 किस पे जाता है 2 पर। 9 के ऊपर जो नंबर गिवन किया है 2, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। देन हमने मल्टीप्लाई किया 3 1 3 एंड प्लस 2 2 4 हमारा एलसीएम क्या डिनोमिनेटर क्या था 18। देन हमारा आंसर आया 3 प्लस 4 7/18। अब मैं आपको एक माइनस वाला क्वेश्चन भी बता देती हूँ। माइनस वाले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2 1/2 -1/3 सॉल्व इज इक्वल टू 1/2 -1/3। इसी तरह आप 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 2 1 2 3 1 3 1 3 हमारा फैक्टर्स क्या आए 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सो द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। देन हमने क्या किया 2 और 3 का एलसीएम लिया, कॉमन क्या 6 आया डिनोमिनेटर मैंने कॉमन करके लिख दिया। देन 2 के ऊपर जो वैल्यू थी वो मैंने ऊपर लिख दी। 2 के टेबल में 6 किस पे आता है 3 पर। 1 × 3 माइनस देन 3 के टेबल में 6 किस पे आता है 2 पर। 1 × 2 1 कहाँ से आया 3 के ऊपर जो वैल्यू गिवन थी वो थी। देन हमने मल्टीप्लाई किया 3 1 3 3 -1 2 2 देन हमने माइनस किया 3 - 2 / 6 तो हमारा आंसर आया 1/6 हमारा आंसर था। एंड पर आपने एंडिंग लाइन लगानी है और बाकी क्वेश्चंस भी अपने बुक पर सेम इसी पैटर्न से कॉपी पर सॉल्व करने हैं। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।